हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह। तो आज हम कवर करेंगे क्या बेटा कि होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम समघातीय समीकरण कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सेपरेशन, पृथक्करण के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे आपकी सेकेंड ए एक्सरसाइज कवर हुई थी। और आज हम कवर करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, समघातीय समघातीय समीकरण। समघातीय समीकरण क्या होते हैं, समघातीय समीकरण होते हैं, जैसे अगर कोई समीकरण दिया गया एल डी एक्स एल डी वाई बराबर जीरो, ये आपका समीकरण दिया है, ठीक है बेटा। अब ये समीकरण तो दिया है, सबसे पहले इस दिए गए समीकरण को आप dy ओवर dx की फॉर्म में रखेंगे। किस में रखेंगे, dy ओवर dx की फॉर्म में ब्रेक करो, और ये y अपॉन x में फंक्शन ब्रेक हो जाए तो ये आपका क्या हुआ, डिफरेंट क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होगा। लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। कि dy ओवर dx से ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया और इस पर हमने पावर लगाई तो ये बने, तो ये होगा आपका होमोजीनियस इक्वेशन होगा। इसका कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का माना जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए, यहां जब इसमें ब्रेक हो जाता है तो देखो, माना y अपॉन x बराबर b अप्लाई करिए, और y बराबर कितना करेंगे x b। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, y का कि dy ओवर dx होगा। किसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन से तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन से ऐसे कर लीजिए कि vx फर्स्ट फंक्शन से और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, और प्लस सेकंड फंक्शन से और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन dv ओवर dx। तो dy ओवर dx बेटा कितना होगा, v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। अब इसको समीकरण एक में अप्लाई करो, समीकरण एक से तो एक क्या है आपका समीकरण कि dy ओवर dx, तो इसके स्थान पर क्या अप्लाई करेंगे बेटा कि b प्लस x dv ओवर dx, तो b प्लस x dv ओवर dx अप्लाई करेंगे और ये f ऑफ यानी यहां v हो जाएगा, ये फंक्शन v का बन जाएगा कि y ओवर x के स्थान पर क्या अप्लाई करेंगे, v y ओवर x बराबर v अप्लाई करेंगे। अब इसको ट्रांसफर करें कि x dv ओवर dx, यानी पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, पृथक्करण सेपरेशन पढ़ा था, तो सेपरेशन करिए कि यहाँ अगर v है तो v का फंक्शन लाओ, x का इधर है तो x का फंक्शन ले जाओ, तो ये f ऑफ v माइनस v हो जाएगा। यहाँ v है तो इस फंक्शन को यहाँ लाएंगे तो 1 अपॉन f ऑफ v माइनस v dv के बराबर होगा, और 1 अपॉन x dx के बराबर होगा। दोनों ओर समाकलन कर देखो कि दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो कितना होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन f ऑफ v माइनस v और dv, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx है। राइट हैंड साइड का समाकलन करें तो कितना हो जाएगा, log x होगा और प्लस c एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड का भी समाकलन करने के बाद फिर हम y अपॉन यानी v के स्थान पर y अपॉन x रख के समीकरण को हल करते हैं कि राइट हैंड साइड का समाकलन करने के बाद v के स्थान पर y अपॉन x रखकर समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। यही था आपका होमोजीनियस इक्वेशन। एक बार मैं बता देता हूं कि एल डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका समीकरण दिया जाएगा। सबसे पहले दिए गए समीकरण को dy ओवर dx की फॉर्म में रखें ताकि ये पता लगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है या
नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि जो लास्ट का जो बचता है वो बाई अपॉन एक्स में ब्रेक हो रहा है या नहीं है। बाई अपॉन एक्स में भी ब्रेक हो सकता है और एक्स अपॉन बाई में भी इसको ब्रेक किया जा सकता है। ये देखो डी वाई ओवर डी एक्स है तो बाई अपॉन एक्स आना चाहिए, और डी एक्स ओवर डी वाई कर रहे तो एक्स अपॉन बाई आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाई अपॉन कुछ क्वेश्चन ऐसे आगे देखेंगे, है ऐसे क्वेश्चन कि बाई अपॉन एक्स बराबर बी रखें, फिर आप बाई बराबर बी एक्स रखेंगे और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बी प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। समीकरण एक में रखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बी प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाएगा फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखें, बी को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस कितना हो गया, बी के बराबर हो गया वन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस बी dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx हो जाएगा। दोनों ओर समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन f ऑफ v माइनस v और dv हो जाएगा इक्वल टू sin ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इसका करेंगे तो log x आ जाएगा प्लस c। अब देखिए कि राइट हैंड साइड का समाकलन करने के बाद v के स्थान पर y अपॉन x रखकर समीकरण को हल करते हैं, ठीक है बेटा ये है आपका। अब इसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं के कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए, तो मैं एग्जांपल को भी करा रहा हूं और आपकी एक्सरसाइज को भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका कि बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के डी वाई ओवर डी एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, ये है ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था क्या करें इसको, कि सबसे पहले इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में आप इसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में ब्रेक करें तो क्या निकल के आएगा कि इस वाली क्रम को इधर ले जाइए तो वाई स्क्वायर और एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स आएगा राइट। तो y square equal to इस पर dy common है तो dy over dx common ले तो x y minus x square हो गया। या अब देखो इस पर कि dy over dx और x y minus x square और equals to y square पे ब्रेक कर दो कि dy over dx equals to y square upon x y minus x square हो गया। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है तो इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ठीक है फर्स्ट डिग्री। तो ये बढ़ गया। अब देखो होमोजीनियस देन जब होगा जब y अपॉन x की फॉर्म में ब्रेक हो जाए तो देखो dy ओवर dx इक्वल्स टू y स्क्वायर इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लें तो y अपॉन x माइनस 1 बचेगा। या अब देखो ऊपर इसका इससे साथ लें तो y अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया और नीचे y अपॉन x माइनस 1, बात बन गई। इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। जब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएंगे तो लेट y अपॉन x बराबर b रखेंगे, ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका vx के बराबर होगा और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन और dv ओवर dx, ठीक है। तो ये बन के आएगा हमारा कि dy ओवर dx और v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है बेटा। अब समीकरण आप इसको एक ले लीजिए, समीकरण एक से तो dy ओवर dx के स्थान पर क्या रखेंगे बेटा कि v प्लस x dv ओवर dx हो जाएगा, ठीक है बेटा, dv ओवर dx हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे कितना होगा कि v स्क्वायर अपॉन v
ठीक है, इसको ट्रांसफर करें तो x dv ओवर dx और v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v के बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आएगा, देखो इसका एलसीएम ले लीजिए, ये x dv ओवर dx और v स्क्वायर माइनस v और v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x dv ओवर dx तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस v अपॉन v माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा इसमें, ये v अपॉन v माइनस 1 और फंक्शन को सेपरेशन लगा दीजिए जो पहले लेक्चर में पढ़ा था कि v अपॉन v माइनस 1 और dv के बराबर हो गया और ये 1 अपॉन x dx के बराबर। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन v अपॉन, नहीं गलत हो गया, इसका v आएगा v माइनस 1 अपॉन v, तो v माइनस 1 अपॉन v और dv इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग कर लीजिए इसे, देखो इसमें आप डिवाइड करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिवाइड करें तो 1 अपॉन dx आ जाएगा और 1 अपॉन v और dv के बराबर हो जाएगा इसमें और इक्वल्स टू 1 अपॉन x और dx के बराबर हो गया। इसका करेंगे तो v हो जाएगा माइनस का और log v समाकलन हो गया और इक्वल टू कितना हो गया, log x हो गया और इसका कांस्टेंट भी log c ले लेते। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए कि v बराबर के log v प्लस log x प्लस log c। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती थी कि log a प्लस log b प्लस log c और भी कुछ भी हो लेकिन तीन है इसके अंदर तो कितना हो जाएगा log a b c। ठीक है, अप्लाई करिए कि v इक्वल टू log v x c और v के स्थान पर y अपॉन x रखने पर तो y अपॉन x रखें log y अपॉन x x और c x से x कैंसिल हो गया तो कितना होगा y अपॉन x और log c y हो गया। देखो या कि log c y इक्वल टू कितना y अपॉन x है, एक प्रॉपर्टी है कि log n इक्वल टू n तो n इक्वल टू e टू दी पावर n के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो इस प्रॉपर्टी से जब इसको ब्रेक करेंगे तो c y इक्वल टू e टू दी पावर y अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आगे और दीजिए, इसी तरह से अगला एक और करते हैं। सारे लीजिए, सारे एग्जाम्पलों को सॉल्व करो और जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी सॉल्व करो, मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दे रखा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले कि सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स में इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो इसको ट्रांसफर करोगे x डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स और प्लस और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में और इंटू डी एक्स, क्या कॉमन है डी एक्स है तो x डी वाई और डी एक्स कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसका याद रखिए कि डी वाई ओवर डी एक्स और 1 प्लस ये वाई आएगा बताइए वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया। तो देखो बेटा यहाँ होमोजीनियस है या नहीं ये तो पता लगाएंगे लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, होमोजीनियस
जब होगा, जब ये y अपॉन x dy ओवर dx है ना, तो ये जो राइट हैंड साइड की जो फंक्शन है वो y अपॉन x में ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर dx ओवर dy ले रहे तो x अपॉन y में ब्रेक हो जाना चाहिए। तो देखते हैं इसका, कहते हैं dy ओवर dx तो y अपॉन x हो गया, और अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर + y स्क्वायर हो गया ना अंडर। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो y अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा अंडर, ठीक है, बन गया होमोजेनियस इक्वेशन के डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको समीकरण मान लीजिए आपके, माना माना वाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होगा बी, और वाई बराबर कितना होगा बी एक्स, कितना हो जाएगा बी एक्स है। फिर आप इसी तरह से अवकलन करें तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। रखो इसमें समीकरण एक से कि समीकरण एक से कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया कि v प्लस अंडर रूट वी प्लस v हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करें इसे कि v से v कैंसिल हो गया, अब x dv ओवर dx है, अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इस फंक्शन को इधर लाओ तो वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर dv के बराबर वन अपॉन x dx के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब समाकलन करो, तो समाकलन करें तो कितना हो जाएगा इसका कि प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू किसके होगा कि लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल होगा। तो इससे इसको लेफ्ट हैंड साइड को करो तो कितना हो जाएगा कि लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया लॉग एक्स के, और इसको भी ले लें लॉग सी के बराबर ले लेते हैं। देखिए इसमें कि लॉग बी प्लस वन प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये कितना आ जाएगा बेटा लॉग सी एक्स है, और वी प्लस अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा सी एक्स, कितना हो जाएगा सी एक्स। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करें तो वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखो इसका एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आ गया, देखो देखो कि वाई अपॉन एक्स प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स है, तो y अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x अंडर रूट से डाइवर्ज सी एक्स हो गया। एलसीएम लेंगे तो y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू सी एक्स है, और इसका मल्टीप्लाई करें तो y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर निकल के आया, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज से देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज सेकंड बी और क्वेश्चन नंबर है वन। ये मेरे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं। वाई स्क्वायर बी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू जीरो ये दिया है। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई के बराबर किया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल्स टू
माइनस के बाय स्क्वायर इनटू डीएक्स। देखो ये ले आइए इस पे क्या डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के बाय स्क्वायर और एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब आप क्या करेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस का बाय स्क्वायर तो ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो बाय अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा या इसको हम माइनस का बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं और बाई अपॉन एक्स प्लस वन इसको समीकरण आप एक दे दीजिए। ठीक है अब ये होमोजीनियस बन गया नहीं बन गया और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का भी बन गया राइट बात बन गई। तो माना कि बाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी है तो वी एक्स हो जाएगा और ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है भाई एक्स के साथ कब कलम किया मैंने। अब समीकरण एक से समीकरण एक से तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स होगा और ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन ये बनेगा। ठीक है अब देखते हैं इसे कि एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस का वी स्क्वायर वी प्लस वन और माइनस का बी एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एलसीएम ले लो बी और बी प्लस वन ओवर बी प्लस वन। ठीक है एलसीएम लेने के बाद यही तो आएगा फिर देखिए एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी अपॉन बी प्लस वन होगा। ठीक है अब ये b प्लस वन है पीछे तो ये कितना हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स माइनस का टू बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी प्लस वन या इसमें से b कॉमन ले रहे तो टू बी प्लस वन आ जाएगा अपॉन b प्लस वन। ठीक है आगे सॉल्व करो सेपरेशन जो आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था सेपरेशन सिस्टम करो तो b प्लस वन और b और टू बी प्लस वन और डी बी के बराबर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर हो गया। अब देखिए इसका समाकलन करना है तो आंशिक भिन्न से करना पड़ेगा तो इसको सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्न क्या बन के आएगी देखो इसमें कि बी प्लस वन ओवर बी और टू बी प्लस वन इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो गया प्लस बी अपॉन टू बी प्लस वन तो क्या निकल के आएगा बी प्लस वन तो ए टू बी प्लस वन और प्लस बी और बी के बराबर आ गया। जब बी के स्थान पर अगर जीरो रखेंगे तो ये वन बचेगा और ये जीरो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा ए इक्वल टू बनाएगा। ठीक है बी बराबर जीरो रखेंगे तो बी बराबर जीरो तो ए बचेगा ये तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये ए बराबर इसी प्रकार यानी टू बी प्लस वन इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू नेगेटिव वन बाई टू जब आप इस पर रखेंगे तो नेगेटिव वन बाई टू प्लस वन और ये कैसी हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि इस पर नेगेटिव वन आएगा और प्लस ये बी इंटू माइनस वन बाई टू अब ये वन बाई टू है और माइनस के वन बाई टू बी है इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस वन बी के इक्वल हो गया नहीं हो गया तो ये क्या निकल के आएगा बेटा देखते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई ये वैल्यू बनी आपकी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई बन की वैल्यू कितनी है ए तो वन अपॉन बी और ये माइनस की है तो माइनस की वन अपॉन टू बी प्लस वन और ये डी बी और माइनस का वन अपॉन एक्स और डी एक्स बनेगा। समाकलन कर लो बेटा समाकलन करने के बाद क्या आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन बी डी बी के बराबर हो गया और ये हो गया आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन टू बी प्लस वन डी बी के बराबर माइनस की वन अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर हो गया बेटा राइट। तो अब हम देखेंगे इसका एफ ऑफ बी बराबर कितना करेंगे टू बी प्लस वन और एफ डैश बी करें तो कितना हो गया टू तो इसका मतलब इस पर टू और वन बाई टू का मतलब टू से ही भाग दे दे और टू का इस पर मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस तरह निकल के आएगा कि लॉग लॉग बी और वन अपॉन टू
लॉग 2b प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी आ जाएगा, लॉग सी के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें करें तो 2 लॉग बी हो जाएगा माइनस का लॉग 2b प्लस 1 और इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 लॉग एक्स एक्स प्लस 2 लॉग सी, इसको तो लॉग सी में ही रखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा इसमें कि लॉग वी स्क्वायर हो गया और लॉग लॉग 2b प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करो कि लॉग वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग 2b प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस इसको लॉग सी लिखो, क्या लिखा इसको लॉग सी या टी स्क्वायर है वही लॉग सी के बोलिए, एक कांस्टेंट है तो प्लस कितना आ जाएगा लॉग सी। अब देखो इसमें लॉग लॉग बी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा लॉग 2b प्लस 1 और ये माइनस है तो भाग लग जाएगा और ये सी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं, देखिए log b यानी log b स्क्वायर log 2b प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और ये c के बराबर हो गया। अब y v बराबर y अपॉन x रखने पर इसको लिख जाओ, ये v स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा आपका कि 2b प्लस 1 और 1 अपॉन x स्क्वायर और c के बराबर हो गया, v बराबर y अपॉन x रखने पर तो ये कितना होगा बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो कितना होगा 2 बाई प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स बचेगा एक्स और एक्स एक्स क्यू हो गया और सी के बराबर है, इससे कैंसिल करेंगे तो एक एक्स है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई प्लस एक्स और सी के बराबर। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप भी समझ में आ रहे हैं तो आप एग्जांपलों को भी निकालिएगा और क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी निकालेंगे मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको और आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा क्वेश्चनों को, तो आप उनको सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज सेकंड को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बेटा।